दीन बंधु दीना नाथ मेरी। जो मंदिर परिसर में दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी जगह छोड़ दी जाए। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जानी है, जिसको लेकर विभिन्न प्रकार की तैयारियां मंदिरों में शुरू हो गई हैं, तो कहीं पर पंच दिवसीय महामहोत्सव भी शुरू हो गए हैं। सागर के बड़ा बाजार इलाके में स्थित श्री देव बांके बिहारी राघव मंदिर में भी पंच दिवसीय महामहोत्सव शुरू हो गया है। पहले दिन यहाँ पर बधाई की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। बता दें कि स्थानीय कलाकारों के द्वारा राधा कृष्ण के भजन गाए गए और इसकी शानदार प्रस्तुति दी गई। राधा कृष्ण की वेशभूषा वाले कलाकारों ने भी यहाँ पर गजब का सामा बांधा, जिनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के पुजारी नितई दास जी महाराज बताते हैं कि यह काफ़ी प्राचीन मंदिर है। सब जगह अष्टधातु की जो प्रतिमाएं हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर पाषाण की प्रतिमाएं हैं और ऐसा लगता है जैसे जीवंत में भगवान विराजमान हो। यह मंदिर राघव जी का जो है, ये 300 वर्ष प्राचीन मंदिर है और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में जो नक्काशी का काम किया गया है, सागौन की लकड़ी पर किया गया है और इसी मंदिर को देख करके यहाँ के सागर नगर के और विभिन्न मंदिर बनाए गए हैं। तो मंदिर का इतिहास तो यही है कि सबसे प्राचीन मंदिर ये है। यहाँ पर ठाकुर जी के जो विग्रह हैं, ये भी आप और जगह देखेंगे तो अष्ट धातु के विग्रह मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर चल विग्रह ऐसे मिलेंगे आपको जो पाषाण के विग्रह मंदिर में विराजित हैं। श्री देव बांके राघव जी सरकार, तो उन्हीं का जन्माष्टमी महोत्सव वार्षिक उत्सव है, तो बड़े ही धूमधाम से पंचदिवसीय रूप में।